एनिमे एक बहुत ही पॉपुलर मीडियम है एनिमेशन का, जो ओरिजिनेट हुआ था जापान से और इसके वर्ल्ड वाइड फैन बेस है और एनिमे की फॉलोइंग इंडिया में भी बहुत बढ़ चुकी है। यही रीजन है कि सारे एनिमेस को हिंदी में अब डब किया जा रहा है। तो अगर आप भी एनिमे देखना स्टार्ट करना चाहते हो तो ये टॉप 3 एनिमेस आप देख सकते हो, जो कि इंटरेस्टिंग भी है और स्टोरी भी उसकी काफी अच्छी है। नंबर 1 पर है डेथ नोट। एक व्यक्ति को मिलती है शिनिगामी नोटबुक, जो रखती है पावर किसी भी व्यक्ति का चेहरा याद करते हुए उसका नाम उस पर लिखा जाएगा तो वो वहीं पर ही मारा जाएगा। इसमें हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है कि ऐसी पावर के चलते क्रिमिनल्स को मारना सही है या नहीं। इसी वजह से इसका कॉन्सेप्ट ही इसका फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट बनता है। इसका सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है इसकी स्टोरी लाइन, जो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस एल और लाइट के बीच में एक दूसरे की आइडेंटिटी कौन सबसे पहले रिवील करेगा। और इसकी नेगेटिव की बात करें जो कि इसका नेगेटिव भी नहीं है, मतलब बीच में इसकी स्टोरी थोड़ी स्लो हो जाती है पर वो आगे की स्टोरी को सेटअप करने के लिए इम्पोर्टेंट था। इसके 37 ही एपिसोड्स है जो आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगे। नंबर 2 लोकिज्म। एक लड़की के पास है ऐसी सुपर पावर जिससे वो कर सकता है बॉडी स्विच, पर एक टाइम पर एक ही बॉडी को वो यूज कर सकता है। बॉडी स्विच करने के लिए एक बॉडी को सोना पड़ता है। अब इसकी कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्टोरी टेलिंग, ये ऑडियंस को नेक्स्ट एपिसोड देखने पर मजबूर कर देता है और इस एनिमे में मेल बॉन्डिंग भी काफी अच्छी दिखाई गई है और इसके सारे कैरेक्टर स्टोरी में कुछ ना कुछ पार्ट देते हैं। बस इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि ये एनिमे कुछ पॉइंट को मिस कर देता है। ये है अवेलेबल नेटफ्लिक्स पे, वो भी हिंदी डब के साथ। नंबर 3 पर है डेमन स्लेयर। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर डीमंस इंसानों को खाकर अपनी पावर बढ़ाते हैं, उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर है डीमन स्लेयर और उसी के साथ है मेन कैरेक्टर तांजिरो, जिसकी फैमिली को डीमन खत्म कर देता है और उसकी सिस्टर को बना देता है एक डीमन और वो निकल पड़ता है उसे ह्यूमन बनाने के लिए। इस एनिमे के पॉजिटिव्स है इसकी स्टोरी लाइन ही काफी अच्छी है। इसकी राइटिंग पूरी सोच समझकर डिटेल्ड बनाई गई है। इसके कैरेक्टर्स एनिमे में डेवलप होते हैं और इमोशनली अटैच भी हो जाते हैं। इसका एनिमेशन और म्यूजिक भी काफी अच्छा है और ये भी एक पॉजिटिव में ऐड होगा। और इसका एक नेगेटिव भी है, एक मेन कैरेक्टर जो पहले वीक होगा पर आगे जाते जाते स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। डेमन स्लेयर एनिमे के 3 सीजन आ चुके हैं, ये भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।